धरा कर सीताराम। श्वास श्वास पर राम रथ वृथा श्वास ना खोल, ना जाने श्वास को फिर आमन होए न खोल। मनुष्य को हर श्वास बेस की मिली हुई है उसको राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं कब लौट के आए या ना आए। एक दृष्टांत आता है कि एक किसान जंगल में घूम रहा है, बहुत गरीब है, कन्या शादी को है, पछता रहा है, रो रहा है, बैठा है। एक संत आते हैं उसकी पूछते हैं क्या बात है भाई, महाराज कन्या शादी को पैसा नहीं। संत को दया आई, उसने पारस मणि की थैली एक मणि की भरी हुई थैली दे दी। ये थैली लेकर संत चले जाते देकर। अब किसान उस थैली के पत्थर को देखता है, बोले संत बहका गया, पत्थर दे गया, मणि को नहीं समझ पाया, वो पत्थर जानता है। गोफा में रख कर के तोता उड़ाता है और हर मणि को फेंक देता है बराबर में सागर है, उस सागर तालाब में, सागर तालाब नदी जो भी है उसमें चले जाते। शाम तक मात्र एक पत्थर उसके पास रह जाता है, सब पत्थर नदी में चले जाते। शाम को अगर बच्चों से खाने पीने पूछता है, बच्चे कहते खाने कुछ है ही नहीं, कहते बाबा जी कह रहा था ये मणि है देखना, ये कब बनिए को दिखा के आओ। अब उसकी घरवाली बनिए के पास जाती है, बनिया बोला इसकी कीमत मेरे पास नहीं, बड़े बनिए के पास जाओ, वहाँ जाती है मेरे पास नहीं है, जौहरी के पास जाओ, जौहरी उसकी कीमत लगाता है तो उसको गाड़ी भर के गल्ला भेजता है और वस्त्र आभूषण सभी देता है, फिर नकद भी देता है, उसकी कीमत इतनी थी। लौट के वो कहता है जब सब सामान लेके घरवाली आई, बोले मैंने तो ये थैली भरी हुई मणियों की बिला वजह ही मैंने उस तालाब में फेंक दी। ये श्वासों की भरी मणि भगवान ने दी हैं, हर मणि ये श्वास रूपी शरीर में दी हुई हैं। एक मणि एक बार उच्चारण करने से गज तर जाता है, गीध तर जाते हैं, एक बार उच्चारण से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो श्वासों भरी मणियों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बोल कड़ाकर सीता।